हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो नेगेटिव लेजर्स को लेकर के है। नेगेटिव लेजर्स की बात हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि ये नेगेटिव लेजर्स होता क्यों ऐसा हो जाता है कि नेगेटिव लेजर्स हमें शो करता है, तो उसी को देखेंगे। सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर हम डिस्प्ले में चलते हैं तो यहाँ से डी प्रेस कर देता हूँ डिस्प्ले में जाने के लिए। ठीक है, पहले से हाईलाइट कर लेता हूँ, डी प्रेस कर दिया डिस्प्ले में जाने के लिए। अब यहाँ से हमें जाना है एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में, यहीं पर हमें नेगेटिव लेजर्स शो करेंगे। तो एक्स प्रेस कर देते हैं एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाने के लिए। ठीक है, एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाने के बाद ये आपको नेगेटिव लेजर्स शो करेगा, तो एल प्रेस कर दीजिए नेगेटिव लेजर्स में जाने के लिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं नेगेटिव लेजर्स का अर्थ होता क्या है। देखिए, होता ये है कि अगर किसी पार्टी को 500 रुपए पेमेंट करना है और आपने 700 रुपए पेमेंट किया, तो ये कारण बनता है नेगेटिव लेजर्स का। ठीक है, यानी कि किसी पार्टी को आपको पेमेंट करना था 500 रुपए और आपने 700 रुपए, 200 एडवांस हो गया ना, तो इस कंडीशन में ये बन जाता है नेगेटिव लेजर्स। ठीक है, यही कहानी होती है क्रेडिटर पार्टी के साथ और यही कहानी होती है डेटर पार्टी के साथ। तो यहाँ पे दो चीज दिखाई दे रहा है आपको, एक डेबिट दिखाई दे रहा है, दूसरा क्रेडिट। तो क्रेडिटर पार्टी वाला सारा हिसाब किताब क्रेडिट में शो करता है और बाकी डेटर पार्टी वाला हिसाब किताब डेबिट में शो करता है। ठीक है, तो इसी के कारण ये इस तरह की दिक्कत आती है। आई होप की बात समझ में आ रही होगी। अब इसको करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर ये गौरव सी ये क्रेडिटर पार्टी है जिसमें 144 रुपए एडवांस दिखा रहा है। ठीक है, तो आप 144 रुपए का कुछ परचेज कर लीजिए तो ये एडवांस दिखाना बंद हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। 144 रुपए का ही परचेज करना है क्योंकि 144 रुपए ही एक्स्ट्रा जा रहा है। तो यहाँ से हमें परचेज वाउचर में जाने के लिए F9 प्रेस करना है, तो हम आ जाएंगे कहाँ पर, परचेज वाउचर में। और ये परचेज वाउचर में आने के बाद 144 रुपए का सामान खाली खरीद लीजिए, एंटर प्रेस किया यहाँ पे, और पार्टी का क्या नाम था, गौरव सी यानी क्रेडिटर पार्टी यही हमारी, एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करके और यहाँ पर आ जाते हैं, फिर एंटर प्रेस कर लेते हैं, यहाँ परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा। अब मान लीजिए न्यू स्टॉक आइटम हम बना सकते हैं क्योंकि परचेज है, तो यहाँ पे स्टॉक आइटम बन जाएगा। कीबोर्ड कर लीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पर डाल दीजिए आइटम ITM, एंटर प्रेस करके और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, छोड़ दीजिए बैचे, आगे बढ़ जाइए, एंटर प्रेस कीजिए, एक्सेप्ट कराइए। इसकी प्राइस क्वांटिटी डाल दीजिए एक और एक की प्राइस डाल दीजिए 144 रुपए। ठीक है, एंटर प्रेस कीजिए, अब इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए डायरेक्टली। देखिए, अब चलते हैं नेगेटिव लेजर्स में जहां हम गए थे। ठीक है, 144 रुपए जो माइनस में शो कर रहा था, मतलब एडवांस था, माइनस नहीं था बल्कि एडवांस था, तो इस वजह से वो एडवांस शो कर रहा था। आपने एडवांस में पैसे, एक्स्ट्रा पैसे दे दिए थे, दैट्स व्हाई वो एडवांस में शो कर रहा था। तो आइए चलिए देखते हैं अब एडवांस शो कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेप्शन में चलते हैं और यहाँ से कहाँ आ जाएंगे, नेगेटिव लेजर्स में आ जाएंगे। तो एल प्रेस कर देता हूँ नेगेटिव लेजर के लिए। अब यहाँ पर 144 रुपया गायब हो गया, 144 रुपया नहीं दिखा रहा है। ठीक है, आ रही है बात समझ में कि नहीं। इसी तरह से देख सकते हैं रितेश सी में 17,160 रुपए दिखा रहा है एडवांस पेमेंट। ठीक है, तो अब इसको चेक करते हैं, देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें वी प्रेस करना है वाउचर में जाने के लिए, तो यहाँ परचेस वाउचर में ही रहते हैं और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर रितेश सी ले लेते हैं। अब यहाँ पर आता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ करके यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद फिर यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा। और अब क्या करना है, स्टॉक आइटम लेना है, कितना इसमें हमको एडजस्ट करना है, 17,160 रुपए एडजस्ट करना है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, 17,160 रुपए हमें एडजस्ट करने हैं, ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पे देख सकते हैं हेडफोन मैंने कर दिया 24 और एक की कीमत है 700 रुपए, तो 16,800 रुपए यहाँ आ चुके हैं। ठीक है, 24 अगर किया मैंने तो 16,800 रुपए यहाँ आ गए। ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और अब 360 रुपए को और एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे ले लेते हैं कीबोर्ड, तो यहाँ पे कीबोर्ड आ गया, एक आइटम पहले से अवेलेबल है, एक ही आइटम ले लेते हैं, 360 रुपए का मान लीजिए कीबोर्ड है। ठीक है, तो यहाँ 360 रुपए रेट कर देते हैं, तो अब 17,160 रुपए एडजस्ट हो गया। अब ये एडजस्ट हो गया, आपको वहां पर 17,160 जो दिखाई पड़ रहा था अब ये नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 17,160 रुपए हमने एडवांस दिए थे, उसके एवज में हमने क्या किया, कुछ परचेज कर लिया, दैट्स वाई वो नहीं दिखाएगा। आप देखिए, यहाँ पर आता हूँ डिस्प्ले में और यहाँ पर आता हूँ मैं सीधा कहाँ, एक्सेप्शन रिपोर्ट में। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन रिपोर्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव लेजर्स में आ जाएंगे और अब 17,160 कम से कम गायब हो चुका है। तो ये बात समझ में आ रही होगी कि ये कहाँ से दिक्कत हो रही थी।
तो ये नेगेटिव लेजर शो कर रहा था। अब यहाँ पे डेटर पार्टी की बात करते हैं, जैसे लक्ष्मी डेटर पार्टी है ठीक है, और 1000 रुपए एडवांस दे गया है, तो ये एडवांस हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट कैसे होगा, यहाँ से बाहर आते हैं, चलते हैं, वी प्रेस करते हैं वाउचर में जाने के लिए, अब सेल्स वाउचर में जाने के लिए F8 प्रेस कर देते हैं। तो F8 प्रेस कर दिया हमने, तो लक्ष्मी नाम था तो ये लक्ष्मी ले लेते हैं, लक्ष्मी डेटर पार्टी है ये ले लिया हमने, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर आ गए, एंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं, यहाँ पर आएगा सेल्स अकाउंट का लेजर, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम, कोई सामान लाइक कितना हमें एडजस्ट करना था, तो यहाँ पर 1000 रुपए यहाँ पे इनका बैलेंस दिखा रहा है ठीक है, जिसके जैसे ये एडवांस है, करंट बैलेंस इनके पास 1000 रुपए एडवांस इन्होंने दे रखा है, उसी को एडजस्ट करना है हमको। ये जावा की बुक है, एक आइटम करते हैं, और मान लीजिए कि 1000 का एक बुक बेच देते हैं ठीक है, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, और ये देखिए ये हो गया। चलते हैं कहाँ, डिस्प्ले पर, और फिर यहाँ से आ जाते हैं सीधा कहाँ, एक्सेप्शन रिपोर्ट पर। ये एक्सेप्शन रिपोर्ट पे आ गए, और यहाँ से अब नेगेटिव लेजर्स देख लेंगे हम, ये नेगेटिव लेजर्स है, तो अब वो नेगेटिव लेजर्स गायब हो गया। अब एक बचा हुआ है सूरज डेटर पार्टी जो है, उसने भी 200 रुपया एडवांस पेमेंट दे दिया है,